नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। बता दें आपको कि अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा और हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है। ये निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया और यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है और अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा और हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है। ये निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया है। यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया है और ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही यूपी में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, इसको लेकर अभी की क्या अपडेट चल रही है? नहीं देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव की तिथि आनी थी, यानी कि आरक्षण की सूची जारी हो चुकी थी 1 महीना पहले और बस तिथि आनी थी। तिथि आने के बाद जो है हाईकोर्ट में याचिका हो जाती है, कई याचिका होती है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया जाता है कि ओबीसी आरक्षण जो है वो मनमाने तरीके से दिया गया है और इसमें मनमानी की गई है और जो चुनाव लड़ना चाहते थे सामान्य कैटेगरी के लोग वो नहीं चुनाव लड़ पाए। देखिए, जब कभी कोई जनगणना होती है तो वो जाति के आधार पर नहीं होती, संख्या के आधार पर होती है। इसके बाद होता है जातीय समीकरण, फिर जातीय समीकरण में जितने ज्यादा मतदाता जिस जाति के होते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, उसी से वार्ड में या मैं कह सकता हूँ उस निकाय चुनाव में उसी स्थान पे, उसी तहसील में, उसी विधानसभा में ये बात तय होती है कि किसको कौन सी सीट दी जाएगी। ये मतदाताओं के जाति समीकरण के आधार पर दिया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में जिस चीज की चुनौती दी गई थी, सरकार ने ये बात रखी थी 2017 के हिसाब से हमने सर्वे किया है उस आधार पर हमने आरक्षण दिया है। आरक्षण ऐसा नहीं है, जनरल के साथ साथ ओबीसी को भी दिया गया था, लेकिन इस आरक्षण में कुछ खामियां थी, कुछ त्रुटियां थी जिसको लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी तो उसमें एक मांग रखी गई थी कि इस जाति समीकरण के जो आरक्षण हुए हैं उसको रद्द कर दिया जाए। पहले तो ये लग रहा था कि 3 दिन पहले जैसे कोर्ट आज बंद भी चल रही है और स्पेशल कोर्ट ने इसकी सुनवाई की है तो कोर्ट भी बंद चल रही थी, कोर्ट अब 2 दिन के बाद ही खुलेगी, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट का जजमेंट आना था फैसला तो मुझे लगता है 24 से 25 में सुरक्षित कर लिया गया था और आज केवल कोर्ट को अपना सुनाना था फैसला। तो जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया तो सरकार की पिटीशन के सरकार के समीकरण को भी खारिज कर दिया है, तो जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल गई है और पूरी तरीके से ये बात भी तय हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर यूपी सरकार जाती है तो क्या इस चुनाव को जनवरी के सीजन में रद्द माना जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, फरवरी में भी स्कूल के बच्चों की परीक्षाएं हैं, बोर्ड के एग्जाम आने हैं,
चैलेंज है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चुनाव आयोग के पास भी, तो क्या निकाय चुनाव को पूरे टालने के लिए इस तरीके की रणनीति बनाई गई है या निकाय चुनाव टल जाएंगे? और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं जाते हैं तो क्या उस पर अमल उत्तर प्रदेश सरकार करेगी? तो अब जो जहां जहां पर सामान्य सीटें नहीं थी, जहां जहां पर आरक्षित सीटें जो की गई थी, जब अनारक्षित सीटों का योगदान नहीं था आरक्षित की गई, तो क्या अनारक्षित और आरक्षित के बीच का खिंचतान है वो खत्म हो गया? जहां पर छड़े और मैं कह सकता हूँ एससी कैटेगरी की जो सीटें थी, तो क्या वहां से जनरल लड़ सकेंगे? देखिए दुविधाएं अभी बहुत सारी हैं, चुनाव जिनकी तैयारियां पहले से थी वो उनके आगे भी टास्क है, और जो चुनाव में खड़े होने वाले थे उनके लिए भी टास्क है। अब समीकरण पूरी तरीके से यूपी स्टेट का बदलेगा, क्योंकि जो लोग तैयारी पहले से कर रहे थे उनके लिए भी एक मैं कह सकता हूँ टास्क है, और जो नए प्रत्याशी आएंगे सामान्य कैटेगरी के उनके लिए भी कुछ लोग को मनाना और बिठाने का भी टास्क रहेगा। कुछ वार्डों में यदि सभासद प्रत्याशी होते थे या मैं कह सकता हूँ कि चेयरमैन या महापौर के प्रत्याशी होते थे, तो ये अगर ये जहां पर पिछड़ा हो गया है वहां पर अगर सामान्य हो गया है कोर्ट के निर्देश के बाद, तो पिछड़ा जो खड़ा हुआ या तो वो बैठेगा या फिर नहीं बैठेगा, लंबी खींचतान चलेगी और आर्थिक मतभेद के साथ चुनावी समीकरण में काफी ज्यादा हलचल मचेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला पलट देगी या फिर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखेगी और यूपी सरकार की फिर एक बार पिटीशन खारिज हो जाएगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तब? जी बिल्कुल दानिश, इस मामले में अदालत का ये भी तो कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा, इस पर कल क्या कहेंगे? देखिए कमेटी बनाने के लिए कोर्ट ने बात कही है कि कमेटी बनाने के बाद इसकी पूरी तरीके से कमेटी बने उसके बाद ही आरक्षण तय होगा, और उसके बाद ही, और ये भी कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने निर्देश ये भी दिया है कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं। तो क्या कोर्ट को भी ये बात समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में समय कम बचा हुआ है? जैसा कि 8 जनवरी आंकड़े लगाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव है वो जनवरी यानी 15 जनवरी से पहले पहले वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी के बाद भी दूसरा सत्र शुरू होगा, 26 जनवरी के बाद भी एग्जाम की तैयारियां कर रही है, स्कूल को लेकर तैयारी, शिक्षक के मामले में भी सरकार को चैलेंज देना है। तो इसको लेकर के हाईकोर्ट ने जब पहले तो आंकड़े लगाए जा रहे थे कि तरफा की शायद हाईकोर्ट इस चीज को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सरकार की पिटीशन को खारिज कर दिया। सरकार के जो पक्ष के वकील थे वो हाईकोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। ओबीसी आरक्षण में कुछ त्रुटियां थी, क्योंकि त्रुटियां करना होती तो कई सारे रिट में कई दावेदार थे जिन्होंने बात कही कि आरक्षण जो है वो जाति समीकरण में दिया गया, 2017 का हवाला सरकार ने दिया। अब कोर्ट ने ये भी बात कही कमेटी बना करके आरक्षण को जल्द से जल्द तय करेंगे, यानी कमेटी में जहां पर जो जनरल हो गए हैं वो जनरल ही रहेंगे, लेकिन जहां जहां पर पिछड़े हो गए हैं, जहां जहां पर जो आरक्षित सीटें हो गई हैं, उन आरक्षित सीटों में भी अब फेरबदल करना पड़ेगा। उसके लिए कमेटी बनेगी, उसकी जांच होगी, उसकी पूरी तरीके सर्वे बनेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, और मुझे लगता है समय कम है। कोर्ट ने भी समय नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट ने एक बात कही है कि जल्द से जल्द करें। हालांकि अमूमन फैसलों में न्यायालय समय देता है 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का, लेकिन इसमें समय नहीं दिया गया है। इसमें न्यायालय ने दोस्तों केवल इतनी बात कही कि जल्द से जल्द, तो क्या जल्द से जल्द कितने दिनों में अपनी जो है कमेटी बना करके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि कहां कहां पर आरक्षित सीटें थी, कहां कहां पर सामानों को समान करना है? दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट पर सरकार जा रही है कि नहीं जा रही है, ये भी अभी संशय बना हुआ है। ठीक है, सस्पेंस इस बात का भी बना हुआ है कि क्या सरकार ने बड़े दावे के साथ ये बात कही थी कि 2017 के साथ, जैसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आया था 4-5 दिन पहले, उन्होंने बात कही थी कि जो पिटीशन दाखिल की गई है सरकार ने 2017 के आरक्षण और सर्वे के हिसाब से की है, तो फिर हाईकोर्ट ने उनकी क्यों नहीं सुनी? और अभी जो AK शर्मा का जो बयान आता है कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, हम कोर्ट के फैसला सर्वोपरि है मानते हैं, लेकिन इसके खिलाफ भी जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास हो सकता है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन संशय भी बरकरार है। एक बात तो साफ हो गई है कि अगर यूपी सरकार अगर आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर उस बात की उसको दिन पर दिन पेंडिंग होता है, अचानक फैसला नहीं आ पाता है, तो ये चुनाव मुझे लगता है शायद जनवरी के पार ही हो पाएंगे। तब तक उनके पास एक चैलेंज के रूप में शिक्षा विभाग की शिक्षाएं, परीक्षाएं, बच्चों के साथ तमाम चीजों को लेकर के भी चुनाव आयोग को जूझना है। साथ ही प्रदेश की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव क्या नए साल पर हो जाएंगे या फिर जनवरी पर होंगे। जी बिल्कुल दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से फैसले आए हैं और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया है, और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर की जो जारी नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है, और इसके साथ ही राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने का भी आदेश दिया है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को ड्राफ्ट अधिसूचना रद्द करने और बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की हाईकोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव ने प्रतिक्रिया दी है। और पैसे के तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि पिछड़े वर्ग अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश विस्तृत अध्ययन पर विधित विशेषज्ञ से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्नाव में आज कोविड की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर मॉक ड्रिल की गई है और उन्नाव में भी जनपद के 4 अस्पतालों बांगरमऊ और सीएचसी पिछिया, सीएचसी औरास और सीएचसी और इसके साथ ही मोरावा सीएचसी में मॉक ड्रिल की गई है। और इस दौरान ही सीएमओ के साथ साथ कोविड के नोडल डॉक्टर नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ओबीसी आरक्षण को खत्म करने पर लगी हुई है। न्यायालय का जो आदेश है उसे तो हमने माना, लेकिन मौजूदा सरकार ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने की मंशा लेकर न्यायालय के समक्ष अपनी पैरवी को कमजोर रखी। न्यायालय का फैसला इस बात को दर्शाता है कि मौजूदा सरकार ओबीसी आरक्षण को खत्म करने में तुली है। तरीके से पैरवी किया है, सरकार खुद चाहती थी कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो। देखिए, अभी तत्काल में निकाय चुनाव का जो आया है कोर्ट ने दिया है, क्योंकि कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है, कोर्ट का तो फैसला हम लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि सरकार उसको पैरवी करती है, सरकार के इस पैरवी के जो कमजोर तरीके से पैरवी किया है, सरकार खुद चाहती थी कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो। निकाय चुनाव जो सबकी हिस्सेदारी, पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी बाबा साहब ने दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। इसकी मंशा भी थी बहुत पहले से, तमाम ऐसे नौकरियों में भी, तमाम ऐसे हर जगह जहां पर आरक्षण का जो मुद्दा आता था या नौकरी पाने का सवाल आता था, वहां भी इन लोगों ने खत्म करने का काम किया है। और आज भी संविधान को संविधान से काटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग जो दलितों का आरक्षण भी, हमें लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तरीके से अपना बाबा साहब का दिया हुआ जो हम लोगों को संविधान दिया था आरक्षण का, वो भी खत्म करने का काम करेगी। फैसले को लेकर के आपका नजरिया क्या है? देखिए, अभी तत्काल में निकाय चुनाव का जो आया है कोर्ट ने दिया है, क्योंकि कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है, कोर्ट का तो फैसला हम लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि सरकार उसको पैरवी करती है, सरकार के इस पैरवी के जो कमजोर तरीके से पैरवी किया है, सरकार खुद चाहती थी कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो। निकाय चुनाव जो सबकी हिस्सेदारी, पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी बाबा साहब ने दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। इसकी मंशा भी थी बहुत पहले से, तमाम ऐसे नौकरियों में भी, तमाम ऐसे हर जगह जहां पर आरक्षण का जो मुद्दा आता था या नौकरी पाने का सवाल आता था, वहां भी इन लोगों ने खत्म। महोबा में रतोली गांव का किसान निवासी खेत की रखवाली कर रहा था और तभी उसके खेत में वन्य जीव नील गाय का झुंड आ गया। जैसे ही किसान ने उन्हें भगाने का प्रयास किया, नील गाय का झुंड किसान को रोंदता हुआ निकल गया और जिससे किसान अचेत होकर खेत में गिर गया और किसान को आनन फानन और अचेत अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं किसान की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजनों में कोहरा मच गया है।
कुशीनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनका 6 महीने से मानदेय बाकी है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। वहीं मामले को लेकर SDM और इसके साथ ही सदर महात्मा सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और वहीं आशा कार्यकर्ता मानदेय सिंह जो वहाँ पर नहीं मिलने की वजह से जाँच कराने और जल्द भुगतान के आदेश पर भी नहीं मानी और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने CMO को कार्यालय से निकलने नहीं दिया। आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश कटारिया को करीब 7 घंटे अपने कार्यालय में कैद रखा। तो कुशीनगर से आपको खबर बता रहे हैं, बता दें आपको कि आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। 6 महीने से वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता हैं जो 6 महीने के वेतन नहीं मिलने के कारण गुस्सा में नजर आ रही हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन भी कर रही हैं। कुशीनगर से खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। 6 महीने से वेतन न मिलने के कारण आशा कार्यकर्ता लगातार नाराज नजर आ रही हैं और लगातार आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही हैं। उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो आपको बता दें आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया को करीब 7 घंटे अपने कार्यालय में कैद रखा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको वेतन को लेकर लगातार आक्रोशित आशा कार्यकर्ता नजर आ रही हैं और इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि उनका 6 महीने से मानदेय बाकी है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। वहीं मामले को लेकर SDM सदर महात्मा सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और वहीं आशा कार्यकर्ता मानदेय नहीं मिलने की वजह से जांच कराने और जल्द भुगतान के आदेश पर भी नहीं मानी है। बता दें आपको कि आक्रोशित भी नजर आ रही हैं आशा कार्यकर्ता और इसके साथ ही उनका कहना है कि वेतन को लेकर लगातार परेशान है। संत कबीर नगर में एक प्राइवेट अस्पताल संचालक की लापरवाही सामने आई है, जहां पर ऑपरेशन के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। मौत के कारण परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल संचालकों पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर हंगामा किया है और इसके साथ ही सूचना पर पहुंचे मेहदावाल CSC अधीक्षक और तहसीलदार ने मृतक बच्चे के परिजनों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और तब जाकर ये पूरा मामला शांत किया गया। कहाँ आप आई हैं? यहाँ पे हिंदा हॉस्पिटल आए हैं मेडाल में। सूचना हमको मिली है SDM साहब के माध्यम से कि यहाँ डिलीवरी का मामला था, बच्चा एक्सपायर कर गया है, तो हम वही तहसील से यहाँ पे आए। मैडम ये भी घटना है, ये आज हम आपके मुँह से सुन रहे हैं, इससे पहले हमको जानकारी नहीं थी कि ये 10 घटना है। जाँच में आपको क्या क्या मिला मैडम यहाँ पे? जाँच में सारे पेपर कलेक्ट किए गए हैं और उनकी जो डिग्री है, इनके पेपर, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, ये सब लिया गया है, देखा है, उनका बयान नोट किया गया है आप लोगों का जो परिजन है, और डॉक्टर साहब जो बैठी हुई हैं उनसे भी पूछा गया है क्या मामला है। ललितपुर में दलित युवक को मोहल्ले के कुछ दबंग लोगों ने अपना निशाना बनाया है। युवक पर दबंगों ने तलवार लाठी डंडों से हमला किया है और युवक सिकंदर मजदूरी कर अपने घर वापस जा रहा था कि मोहल्ले के कुछ नामजद लोगों ने उसे घेर लिया और जमकर पीट दिया। आनंद फानंद में सिकंदर को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है और वहीं सिकंदर के परिजनों द्वारा एक शिकायती पत्र सदर कोतवाली में दिया गया है। पूरी घटना सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला पठानपुरा की बताई जा रही है। कुशीनगर में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, जहां आज सरकारी अस्पतालों में कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल की गई है और जिले के 3 CHs में मॉक ड्रिल की गई है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल को लेकर कुशीनगर के CHC सपहाक में टीम को जायजा लेने के लिए भेजा गया। मॉक ड्रिल के लिए जिला अस्पताल CHC सपहा और
शिवरही और खट्टा के तुकराहा सीएचसी पर मॉक ड्रिल किया गया है। वहीं कोरोना पीड़ितों के इलाज से संबंधित तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल के माध्यम से परखा गया है और साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान मिली कमियों को तत्काल दुरुस्त करने का भी आदेश दिया गया है। खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में जबरन धर्मांतरण के प्रयास के मामले में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रहरा थाना अध्यक्ष ने 10 दिन बाद केस दर्ज किया है। आपको ये भी बता दें कि शिकायती के बाद थाना अध्यक्ष ने पीड़ित पक्ष की 151 में चालान कर दिया था और जिलाधिकारी आलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद 3 महिलाओं सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज हुआ और सभी पर जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने का आरोप है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि आसपास अल्पसंख्यक आबादी होने के कारण दबाव बनाया जा रहा है और घटना कोतवाली रहरा क्षेत्र के जाफराबाद गांव की बताई जा रही है। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के आदेश और आबकारी विभाग की टीम द्वारा जिले के क्षेत्र सदर और मोतीपुर के अंतर्गत थाना रिसिया और मोतीपुर के शाहपुरवा धर्मकुंडा मटेही कला सरवा कला और गोरा में आबकारी निरीक्षक सदर और मोतीपुर द्वारा मय स्टाफ आकस्मिक दबिश दी गई और दबिश के दौरान लगभग 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और लगभग 700 किलोग्राम लहन मौके पर भी नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान ही 3 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अवैध शराब विरुद्ध निरंतर अभियान भी जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।